हेलो दोस्तों, मैं मानवीन प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं आज का द नॉलेज हाउस शो। और देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पार्डन कॉन्ट्रोवर्सी। ये देखिए पूरा मैटर क्या है, इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे। अभी जल्द में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं चाहूं तो अपने आप को पार्डन दे सकता हूं। पर यहां पे आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि आखिर में ये जो मैटर है ये है क्या और वो किस चीज से संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। देखिए यूएस इलेक्शन जो हुए थे 2016 में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस इलेक्शन जो थे 2016 के, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया हैकिंग किसी कंपनी का सहारा लेते हुए, अभी आपको कुछ दिन पहले पता है कि विकीलिंक्स करके एक कंपनी थी जिसका हाथ आया था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में काफी मदद करी है, उनकी लोगों को आप कह सकते हो ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाए गए जो वो देखना चाहते थे, जिससे कि वो थोड़े से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आप कह सकते हो इंक्लाइंड हो गए, ठीक है, और उन्होंने उनको वोट दे दिया, जिसमें हमारी कांग्रेस भी एक इनकी पार्टी पाई गई थी जो विकीलिंक्स कंपनी है, ठीक है, ये आपके ब्रिटेन की कंपनी थी। तो यहां पे ऐसा कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने रशिया हैकिंग कंपनी का सहारा लेके विकीलिंक्स को वो डाटा कुछ प्रोवाइड कराए थे। जो डाटा थे दोस्तों ये आपके, ये कुछ इस टाइप के थे कि जो हिलरी क्लिंटन है जो इनकी अपोजिशन थी, जो इनकी राइवल थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं, इट इज अलीक दैट रशियंस हैकर स्टोल इन्फॉर्मेशन लिंक टू कैंपेन ऑफ हिज राइवली हिलरी क्लिंटन एंड पास इट टू विकीलिंक्स सो इट कुड बी रिलीज टू अंडरमाइन हर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन हिलरी क्लिंटन से हैक करके निकाल ली गई उनके कंप्यूटर से, उनके डाटाबेस में से, और वो विकीलिंक्स तक पहुंची गई और विकीलिंक्स ने फिर उसको मीडिया में उछाला, लोगों तक पहुंचाया। तो इस पर्पज से यहाँ पे उनका आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने एक रशिया हैकिंग कंपनी का सहारा लिया, ठीक है, पर ये बात अभी तक प्रूफ नहीं है। तो इस पे बस कहा जाता है कि हाँ इन्होंने इसका सहारा लिया होगा। और यही है पूरा मैटर दोस्तों, आपका पूरा मैटर ही यही चल रहा है कि इस पे भी चल रही है जांच, और जांच में ऐसे चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ सकता है उसके अंदर, और उसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं चाहूं तो अपने आप को पार्डन कर सकता हूं। अब ये पूरा का पूरा मैटर हम देखना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करें तो हमने आपको बता दिया है कि ये जो मैटर था उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर आप देखिए दोस्तों, एक कांग्रेशनल कमेटी बनाई गई थी अंडर जेम्स कॉमे जो FBI डायरेक्टर थे, पर किसी कारणवश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्टर कॉमी को 9 मई को, ठीक है, हटा दिया अपने पोस्ट से। और उन्होंने इस पे पीछे देखिए बोला, एक रीजन बोला कि दिस रशिया थिंग, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मतलब उनको अपने वहां से हटा दिया, उनकी पोस्ट से हटा दिया। और कहा जाता है कि जो मिस्टर कॉमी थे उन्होंने काफी ऐसे एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में थे। फिर इसके बाद आप देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो नए वहां पे एक FBI के डायरेक्टर रॉबर्ट मूलर थे उनको अपॉइंट किया गया, ठीक है, रॉबर्ट मूलर को कॉमी की जगह पे अपॉइंट किया गया। और इसके बाद 18 मई 2017 की यहाँ पे बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपॉइंटेड FBI डायरेक्टर रॉबर्ट मूलर एज स्पेशल काउंसिल टू लुक इन टू द मैटर। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मूलर थे इन्होंने कोई भी अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं बोली है जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जाए, लेकिन अब माने चाहे ना माने, देखिए ऐसी मीडिया में काफी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जिससे बात साफ साफ क्लियर हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें हाथ है। और कहीं ना कहीं ये देखिए ये चीज जो बिल्कुल विकीलिंक्स वाला मैटर आप देखिए, और आप जब सारी कड़ियों को यहाँ पे मिला के देखेंगे तो ये चीज है ऑब्वियसली है कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप का इसमें हाथ हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज का सहारा लिया हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो एक मैटर है कि जो मिस्टर कॉमी थे उनको आखिर में निकाला क्यों गया था। देखिए दोस्तों, मेनली यहाँ पे सिर्फ इस पर्पज से नहीं निकाला गया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई भी ऐसा बड़ा मैटर खोज डालेंगे जिससे कि वो फंस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के एक मित्र आप कह सकते हो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल फ्लिन इनका नाम है, ठीक है, ये जो थे दोस्तों तो ये डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं और माइकल फ्लिन के अगेंस्ट भी काफी ऐसी सारी चीजें प्राप्त हुई हैं जिससे ये बात दिखी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका काफी जगहों पे रहा था। इनका एक यूक्रेन के साथ भी मैटर था जो कि इस मैटर से अलग है, लेकिन आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो माइकल फ्लिन है आपके, ये फॉर्मर वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। कुछ समय पहले तक, जब तक देखिए इनका मामला पूरा सबके सामने नहीं आया था, उस टाइम तक डोनाल्ड ट्रंप इनको काफी सपोर्ट करते थे और यहां तक सुनने में और ऐसा मीडिया में रिपोर्ट है कि इन्होंने मिस्टर कॉमी को काफी बार ये कहा है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन इनके अगेंस्ट में रोक दीजिए। लेकिन जब इनके बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन हुई तब इनके बारे में काफी चीजें ऐसी पता पड़ी कि इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट से झूठ बोला, इन्होंने काफी चीजें इधर उधर झूठ बोली। तो उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनके अगेंस्ट में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था
कि मुझे इनको फायर करना पड़ा क्योंकि इन्होंने हमारे वाइस प्रेसिडेंट से झूठ बोला वगैरह वगैरह। लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ये भी चल रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच्ची में मिस्टर कॉमी को कहा था कि जो आपने इंक्वायरी कर रहे हो माइकल फ्लिन के ऊपर वो बंद कर दो। माइकल फ्लिन पे भी अलग टाइप के आरोप थे, उसका बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे जो मैटर देख रहे हैं वो देखना है, पर उनपे भी करप्शन के चार्जेस थे। इसके अलावा काफी आप कह सकते हो यूएसए के इंटरेस्ट को हिट करने के उनपे आरोप थे और इन सब पे इन पे जांच चल रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से जैसे ही ये बात पूरी मीडिया में सबके सामने आई थी तो अपनी स्टेटमेंट बदलती और उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ट्वीट किया था माइकल फ्लिन के अगेंस्ट में कि मैंने इनको फायर कर दिया है और मैंने इसलिए फायर किया कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से झूठ बोला। इसके अलावा उन्होंने काफी बातें बोली थी। मेन जो चीज है दोस्तों यहाँ पे ये कि माइकल फ्लिन के लिए पहले ये अच्छे बातें भी बोलते थे, जब अचानक से बात सबके सामने आ गई थी तब इन्होंने स्टेटमेंट पब्लिकली चेंज करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कड़ी इनसे ये भी जुड़ रही है कि जो मिस्टर कॉमे थे वो इनके खिलाफ जांच कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको भी मना किया था कि आप इनके खिलाफ जांच मत करिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट बोलें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जब से ये आए हैं इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर चुके हैं, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर चुके हैं कि क्या ही मतलब बताया जाए। आप चाहें तो ईरान की डील ले लीजिए, बिना बताए इन्होंने वो कर दिया। नॉर्थ कोरिया का मामला ले लीजिए, तो चलिए एक अच्छा कदम उठाया था इन्होंने पीस स्थापित करने का, फिर मन में आया अचानक से कैंसिल कर दिया और वापस उसको स्टार्ट कर दिया। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप का क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या पर्सपेक्टिव है, किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैज रिपीटली डिनाई। फिर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन आज तक ये बात मानी नहीं है और हमेशा इस बात को मना करते आए कि हाँ उनका रशिया के साथ कोई भी कोलूजन नहीं था और ये एक विच हंट है। ठीक है, विच हंट मतलब देखिए इसका कोई एंड नहीं है, इसको विच हंट कह दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो कुछ ऑड्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के मतलब ऊपर, जो उन पर आप कह सकते हो जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप का इस पे हाथ हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक बार यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी तो उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट, एनोमिनस स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रशिया का इसके पीछे हाथ होने के चांसेस हैं हैकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी के अकाउंट्स पे, उनके डाटाबेस पे। ठीक है, तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि रशिया का ही इस पे हाथ है, इस पे कोई भी हो सकता है, या फिर कोई अपने घर पे बैठा बैठा कर रहा हो, चाइना हो सकती है, कोई दूसरी कंट्री हो सकती है, आप कैसे श्योर हैं कि रशिया ही है। तो इन्होंने देखिए हर बार रशिया के ऊपर जब भी आया है तो इन्होंने उस बात को मानने को हमेशा मना किया। आप देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रशिया को इन्होंने कभी माना ही नहीं है कि रशिया इसके पीछे थी। यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात थी, जो इन्होंने 2005 में एक पॉर्न स्टार है जो अमेरिका की, उनके अगेंस्ट में इन्होंने काफी उनके अगेंस्ट में इन्होंने कुछ बोला था, तो वो सब भी बातें आई थी सामने में। इसके अलावा देखिए आप देखेंगे तो मिस्टर ट्रंप ऑप्शन रिमार्क अबाउट वुमेन 2005, और फिर यहाँ पे विकीलीक्स बिगेन डंपिंग 1000 मोर लीक क्लिंटन इमेज। ठीक है, जब विकीलीक्स सामने आ गई थी, पकड़ा गई थी, तो उसके बाद उन्होंने काफी सारे जो लीक्ड क्लिंटन के ईमेल्स थे वो सबके सामने रखे, सबको आगे आगे मतलब पूरे पब्लिकली कर दिए। पर अभी तक देखिए कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम डायरेक्टली तो कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तो डायरेक्टली कहीं अप्रोच किया भी नहीं होगा, उनकी टीम होगी। पर जो भी है देखिए इस पर काफी जांच हो चुकी है और ये मामला पब्लिक में धीरे धीरे आ ही रहा है और चांसेज हैं कि ये अब सबके सामने आ जाए कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप का इसमें हाथ था। अब यहाँ पे आप देखिए सोशल मीडिया का रोल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो मार्क जकरबर्ग ने भी ये बात बोली है कि इसके पीछे रशिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि अब जब फेसबुक के थ्रू ही विकीलीक्स ने सब चीज करी थी तो आधे डाटा तो मार्क जकरबर्ग पे होंगे ही। तो उन्होंने बात बोली है कि रशिया का इसके पीछे हाथ हो सकता है। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग सेड हिज कंपनी वुड शेयर 3000 रशिया लिंक पॉलिटिकल एडवर्ट विद द यूएस इन्वेस्टिगेटर। और फिर इन्होंने देखिए सब शेयर भी किए होंगे पर पब्लिकली सब डाटा तो यहाँ पे करे नहीं जाते हैं। तो इन्होंने देखिए मतलब आप कह सकते हो कि मार्क जकरबर्ग ने ओपनली कह दिया था कि इसमें रशिया का हाथ हो सकता है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेसबुक मुझे कभी भी पसंद नहीं करता था और फेसबुक हमेशा मेरे अगेंस्ट में था। तो वहीं पे फिर मार्क जकरबर्ग ने फिर से बात बोली है कि हम किसी भी साइट्स नहीं लेते हैं जो सच है वो बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया लेकिन इन्होंने ये बात बोली कि हाँ रशिया का इसके पीछे हाथ हो सकता है, और जिसकी हेल्प से विकीलीक्स ने जो भी यहाँ पे करा था अपनी कैंपेनिंग, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग और ये सब। तो अब उसी के चलते देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ये बात प्रूफ हुई तो आई कैन पार्डन माई सेल्फ। तो अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन उठ गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पार्डन अपने आप को कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक स्टेटमेंट इन्होंने दे दी है, तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं इनका डर भी सामने दिखता है, कॉन्ट्रोवर्सी करने में तो है ही एक नंबर ये। तो इनका ये अगर इनके मन में बात आई तो क्यों आई कि आई कैन पार्डन माई सेल्फ, इसका मतलब कहीं ना कहीं गिल्टी है। पर अब वो चलिए इन्वेस्टिगेशन होगी। देखिए ये था इनका वो ट्वीट जिसमें इन्होंने बात बोली थी, एज हैज बीन स्टेटेड बाय न्यूमरस लीगल स्कॉलर्स आई हैव एब्सोल्यूट राइट टू पार्डन माई सेल्फ बट वाई वुड आई डू व्हेन आई हैव डू नथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो इन्होंने देखिए दोनों बात एक ही अपने इसमें कह दी ट्वीट के अंदर। एक तो इन्होंने ये भी बोला कि हाँ मैं पार्डन कर सकता हूँ अपने आप को, आई हैव पावर, ऐसा बहुत सारे लीगल स्कॉलर्स ने बोला है। पर साथ में इन्होंने ये चीज भी बोल दी दोस्तों कि
पर मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, मैंने कोई गलत थोड़ा किया। तो यहां इसको कहते हैं डिप्लोमेसी और यहां इसको कहते हैं इनकी चालाकी। इन्होंने देखिए पब्लिक में बात भी बता दी कि अगर कल को मैं पकड़ाऊंगा तो मैं पार्डन भी अपने आप को कर लूंगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। पर इन्होंने साथ में ये बात भी कह दिया कि मैंने कुछ किया नहीं, तो अच्छे भी बन गए। पर अब दोस्तों यहां पे एक सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि कैन ट्रंप एक्चुअली पार्डन हिमसेल्फ। आप ये सोचिए कि हम जानते हैं, मतलब किसी भी आप अपने अपने इंडिया के ही हेड को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को ले लेते हैं, बाकी उनका ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी पे ऐसी बात हो तो क्या वो अपने को पार्डन कर सकते हैं? तो यही चीज है इस पे। देखिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, बहुत सारे वो चीज उठेंगे। तो ऐसा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, पहली बात तो यूएस में देखिए, हमारे इंडिया जैसे कोई पूरा एज रिटन इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूएस का है उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इंडिया जैसा नहीं है। पर मेन जो चीज है दोस्तों, जो यूएस है आपका, वहां पे कोई भी ऐसा अभी तक क्लॉज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है जहां पे चीज लिखी हो कि मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपने आप को माफ कर सके। अब यहाँ पे देखिए काफी लीगल स्कॉलर्स ने अपने अपनी कुछ कुछ बातें बोली हैं। ये देखिए इनकी फॉर्मर फेडरल प्रोसिक्यूटर थी, तो उन्होंने बात बोली है कि प्रेसिडेंट कोई भगवान थोड़ो होता है एंड ही कैन बी मतलब कन्विक्टेड और ऐसा थोड़ा होता है, और बाकी इट्स अपॉन सुप्रीम कोर्ट, इट्स अबाउट कोर्ट की वो क्या डिसीजन लेती है। सेम चीज यहाँ पे इन्होंने भी बोली है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग बातें अलग अलग स्कॉलर्स बोल रहे हैं, कुछ इसके पक्ष में भी बोल रहे हैं और कुछ इसके अगेंस्ट में ही बोल रहे हैं। और अभी तक देखिए इस पे कोई प्रेसिडेंट नहीं है यूएसए में। प्रेसिडेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जब कोई कोर्ट फैसला देती है, जैसे प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि आज जैसे कोई केस आया आपके यहाँ पे, जैसे मैं कोई कोर्ट, आप ये मान लो कि हम किसी कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दे दिया कि अब जितने भी एमएलए हैं वो लोग साइकिल से चलेंगे, एक एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, वो सभी लोग चलिए साइकिल मत मानिए, वो जो अपनी बीकन में चलते हैं उसमें लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये चीज माना कि हमारे इंडिया में पहले आ चुकी है, लेकिन आप मान लेते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगा सकते हैं, ये एक अभी नया फैसला आया, आप ये मान लो। तो ये एक प्रेसिडेंट हो गया। अब इसके तहत कल को कोई भी कोर्ट फैसला दे सकती है कि हाँ ये चीजें हुई हुई हैं। प्रेसिडेंट मतलब ओल्ड जजमेंट्स कोर्ट के, पुराने जजमेंट कोर्ट्स के, जिसका सहारा लेके जो कोर्ट है वो डिसीजन दे सकती है। तो सेम चीज यहाँ पे कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है कि प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अब इस पे कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है यूएस में कि क्या है कि नहीं है, चांसेज हैं कि नहीं है। तो ये है देखिए पूरा मैटर जो पार्डन का है। आज मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था, क्योंकि आज मैंने ये न्यूज़पेपर में एनालिसिस किया था, तो लोगों ने मेरे को अभी मैसेज में आए थे, एक दो लोगों ने पूछा, तो मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊं। तो होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसके बगल में उसको जरूर प्रेस करिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।